अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिंटो फैमिली व्लॉग, और आज की जो रेसिपी है वो है गोलगप्पा। अब हम बाहर से लेके नहीं खा सकते तो सोचा घर में बना लें। चलिए आइए रेसिपी की जानिब देखते हैं कि सबसे पहले हमें इसका डो तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने ये लिया है, आधा कप सूजी है, आधा कप मैदा है, ये नमक पड़ा है और एक चुटकी मीठा सोडा है। अगर ज़रूरत पड़े, अगर घर में नहीं है तो ना डालें, लेकिन अगर है तो ज़रूर एक चुटकी डालनी है। तो मैं ये डो तैयार करती हूँ, इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये मैंने पानी लिया है, इस पानी को हल्का सा गर्म कर लेना है आपने, ठंडा पानी यूज़ नहीं करना जी। तो डो तैयार हो गया है, इसको मैं रख देती हूँ और गीले टावल से इसे ढाँप देते हैं। तो जब तक डो रेडी हो जाएगा, आधा घंटे तक उसको तैयार होने में लग जाएंगे, तब तक हम पानी तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ये पानी है, आधा जग समझ लें, और ये है इमली और आलू बुखारे का पानी। मैंने इमली और आलू बुखारे को भिगो के रख दिया था और उसके बाद उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल, जैसे अक्सर शरबत बनाते हैं, ये छान के इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और साथ में ये है भुना हुआ ज़ीरा, ये डालना है आपने, और थोड़ी सी काली मिर्चें, ये तकरीबन है एक चम्मच चाट मसाले का, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको मिक्स करेंगे। गोलगप्पों का पानी तैयार हो गया है, अब हम इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं। तो उसके लिए ये पल्प चाहिए हमें इमली का, तो ये मैंने उसी तरीके से निकाला है, इकट्ठा ही भिगो दिया था। और तकरीबन आप लोग 20-25 दाने इमली के और 3-4 आलू बुखारे ले लेने आपने। और अब मैं इसको पैन के अंदर डालती हूँ, ये देखें ये इस तरह गाढ़ा है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं जी। तो इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार करने के लिए इमली का पल्प लिया है, उसके अंदर 4 चम्मच चीनी डाले हैं। अब इसको थोड़ी देर खुश करते हैं, जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगी, जिस तरह इमली का केचप होता है। और ये चटनी तैयार हो गई है, ये आपके सामने है इसका गाढ़ापन। इसे मैं निकाल देती हूँ अलग बर्तन में। तो ये तैयार हो गई है जी। तो डो रेडी है, अब इसको हम बेलते हैं। आपने इसको अच्छी तरह बेल लेना है, जितना मुमकिन हो सके, ये बारीक होना चाहिए। तो ये हो गया है अब के जी। तो आपने इसको कट कर लेना है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं करना, नॉर्मल साइज हो। इसको निकालो, ब्राउन हो रहा है ज़्यादा। जी तो गोलगप्पे रेडी हो गए हैं, वो इसे फिल करते हैं। ये देखें कितने नरम हैं। तो इसके अंदर ये मैंने फिल कर दिए हैं, उबले हुए आलू थे, टमाटर, प्याज, मिर्चें और ये चने थे उबले हुए, आप लोगों ने ये पहले उबाल लेने हैं। अब मैं इसके अंदर ये इमली की चटनी डालूंगी।
उसके बाद मैं इसके अंदर ये सब्ज़ रायता डालूंगी। सब्ज़ रायते में पुदीना, अदरक और हरी मिर्च शामिल है, सब्ज़ धनिया है। तो जी ये रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने इस पानी को हिला लेना है ताकि ये इसके जो ज़रात बैठ गए हैं वो इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो जी अब कौन खाएगा। तो ये रेडी हो गए हैं, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।